हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 2 निजी अस्पतालों के खिलाफ चिकित्सकीय लापरवाही का आरोप। जोधपुर शहर के 2 निजी अस्पतालों के खिलाफ चिकित्सकीय लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस में रिपोर्ट दी गई है। बासनी पुलिस थाना में मेडिप्लस अस्पताल के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, जिसमें उपचार के दौरान एक महिला की मौत होने का आरोप लगाया गया है। महिला को हार्निया के ऑपरेशन के लिए भर्ती करवाया गया था। महिला के पति ने अब अस्पताल के डॉक्टर व अन्य के खिलाफ इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अदालत में माफत इस्तगास लगाकर बासनी थाना में रिपोर्ट दी है। वहीं बनाड पुलिस थाना में एक प्रसूता की चिकित्सकीय लापरवाही के कारण मौत होने पर श्रीराम अस्पताल के खिलाफ रिपोर्ट दी गई है। कल शाम को 5 बजे मेरे पोती के परसों पीड़ा होने लगी, तो हम बनाड राजकीय हॉस्पिटल में लेके गए, तो वहाँ से डॉक्टरों ने बोला कि इसको श्रीराम हॉस्पिटल ले जाओ। फिर हम श्रीराम हॉस्पिटल ले गए, वहाँ पे उन्होंने भर्ती कर दिया, बोला कि पैसे अकाउंट पे जमा करवाओ, आपका इलाज हो जाएगा तुरंत। तो हमने 2000 पहले करवाए, फिर बोला 6000 करवाओ, डॉक्टरों की टीम आ रही है। फिर बोला कि आप 10000 करवाओ, हमने 10000 और जमा करवा दिए। 9:30 बजे तक कोई डॉक्टर नहीं आया, वो इधर उधर जो स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, वो घूमते रहे। हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया कि भाई आप हमारे बस की बात नहीं, आप उम्मीद हॉस्पिटल ले जाओ या कुछ नहीं हो जाएगा, हम आपके करवा देंगे, बच्चा बच्ची और बच्ची की माँ दोनों सुरक्षित है, कोई खतरा नहीं है। ऐसे करते करते बच्ची की माँ को बहुत पीड़ा होने लगी और काफ़ी लापरवाही करने के बावजूद भी उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। 9:30 बजे के लमसम कोई एक डॉक्टर शायद आया, उस वक्त शायद लेट हो चुका था और उसकी वजह से, उनकी लापरवाही की वजह से वो बच्ची मर गई। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।